हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। वैसे तो आपने मैक्सिमम टॉपिक्स जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं वो थंबनेल पे पढ़ लिए होंगे। देखिए, आज के सेशन में सबसे पहले तो एक बहुत ही ज्यादा शानदार खबर आती हुई दिखी है, स्पेशली टाटा मोटर्स के लिए तो नहीं है लेकिन स्पेशली पूरे मेटल पैक के लिए जरूर है। एंड उसके बाद चाइना से जितने भी स्टॉक हमारे इंडिया में रिलेट करते हैं उनमें टाटा मोटर्स भी एक स्टॉक है। मैं आपको बता दूं, चाइना में JLR का बिजनेस काफी अच्छा है इनका, तो वो वहां से रिलेट करते हैं। एंड चाइना में आज के सेशन में 17.5 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज अनाउंस करा गया है चाइना की सरकार की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसके बाद आप सभी ने आज मेटल स्टॉक्स में तूफानी तेजी एंड टाटा मोटर्स के स्टॉक में भी सेकंड हाफ में एक तूफानी तेजी आती हुई देखी, जिसके पीछे का रीजन यही था जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन अभी जो आपके साथ डाटा शेयर करने वाला हूं वहां पे बहुत कुछ अच्छा आता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूं, अमेरिका के बाजार ओपन हुए हैं एंड लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। बट ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी जब आप SGX निफ्टी देखोगे एंड हमारी SGX निफ्टी देखोगे एंड नैस्डेक इंडेक्स देखोगे। नैस्डेक इंडेक्स देखोगे तो लगभग 1.25% की तेजी एंड SGX निफ्टी में 116 पॉइंट्स की तेजी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, 116 पॉइंट्स ऊपर है ये बड़ी बात नहीं है। अभी तक ऐसा लग रहा है कि 16,200 के ऊपर कल हम लोग ओपन हो सकते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव संकेत होगा। 16,200 के ऊपर का ब्रेकआउट, ऊपर की क्लोजिंग, मतलब अगले 200 पॉइंट्स पक्के, ऐसा डाटा शो करता है, कहीं ना कहीं चार्ट शो करते हैं कहीं ना कहीं, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। ऐसे में टाटा मोटर्स कल के सेशन में एक तूफानी तेजी दिखा सकता है, उसके पीछे का रीजन मैं आपको देता हूं। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं आज तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। डेली बेस पे आपके लिए 8 से 10 वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती है, मार्केट की A to Z खबर एंड जो भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा होता है सबसे पहले आपको हमारी तरफ से ही प्रोवाइड होता है। आज जब मेटल स्टॉक्स पे खबर आई वो भी सबसे पहले हमारी तरफ से ही आपके पास पहुंची। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आती रहें। आपकी कोई क्वेरी हो किसी स्टॉक से लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। सेकेंड थिंग, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो यार इसको प्लीज लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपका एक लाइक काफी मोटिवेट करता है एंड उसके लिए दिल से थैंक यू। एंड जो लाइक नहीं कर रहे हैं उनको भी यार थैंक यू, उनकी मर्जी है यार, उन्हें समझ नहीं आ रही हो सकता वो वीडियो। एंड आप लोग मेरे चैनल पे स्टे करते हो जबकि मेरी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आता, मैं केवल बोलता हूं एंड आप लोग सुनते हो एंड फिर भी इतना आप लोग सपोर्ट है तो उसके लिए आप एक थैंक यू तो बनता ही कम से कम। तो देखिए, आप टाटा मोटर्स की बात करें तो सबसे पहले तो टाटा मोटर्स के ADR पे नजर डालिए। अब ADR देखें तो भाई टाटा मोटर्स का तो तूफानी तेजी दिखा रहा है, लगभग 4.5% की तेजी दिखा रहा है टाटा मोटर्स का ADR। अब इसका यह मतलब नहीं है कि कल इंडियन मार्केट में भी 4-4.5% टाटा मोटर्स ऊपर होगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊं तो मैंने टाटा मोटर्स पे 414-412 पे बाय रिकमेंड करा था 424-430 के टारगेट्स के लिए। आज के सेशन में दोनों टारगेट्स अचीव होते हुए, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि न्यूज नहीं आती तो शायद नहीं होता, बट हाँ अचीव हुए, बहुत ही अच्छी बात है। एंड बाकी स्टॉक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी से HDFC बैंक एंड ICICI बैंक का ADR भी लगभग 2.5% ऊपर है। इन्फोसिस एंड विप्रो फ्लैट है क्योंकि कल TCS के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये सारे ADR के अपडेट, लेकिन टाटा मोटर्स तूफानी तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है। बट इसको इतना ही कंसीडर करें जैसे SGX निफ्टी को हम लोग देखते हैं निफ्टी के सामने, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा, टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा कि भाई टाटा मोटर्स का स्टॉक कैसा शो रहा है। 430 डे हाई पे बंद हुआ है, ऑलमोस्ट दोनों टारगेट्स अचीव करके 1.7 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए आज के सेशन में, 1.7 करोड़ शेयर्स का ही एवरेज वॉल्यूम है। स्टॉक में गिरावट हो रही थी, 419 तक गिरा, लेकिन वैसे ही खबर आई एंड स्टॉक शूट अप कर गया 431 तक एंड शानदार तेजी बनी। 536 का स्टॉक ऊपर में हाई लगा के आया एंड अभी 430 में मिल रहा है। स्टॉक की अभी पिछले कुछ दिनों पीछे ही 2-4 दिन पहले AGM हुई, एनुअल जनरल मीटिंग, वहां पे काफी पॉजिटिव न्यूज आती हुई सामने दिखी, जैसे कि उनका इस साल का लगभग 50,000 EV सेल करने का टारगेट है, एम जो। और लास्ट ईयर आपको मैं बताऊं फाइनेंशियल ईयर FY22 में उन्होंने 19,105 यूनिट सेल करी है EV की एंड ये इस बार जो टारगेट है वो 50,000 का है। एंड नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल FY24 के लिए उनका 1 लाख का टारगेट है। तो आप देख रहे हैं किस हिसाब से ग्रो कर रहा है एंड अगर इस हिसाब से उनके टारगेट्स को मैच कर पाए ये लोग एंड अचीव कर पाए तो कहीं ना कहीं स्टॉक का प्राइस अगले 12 से 18 महीने में 600 रुपए का हो सकता है अकेले EV के
शेयर के दम पे। अब देखिए गवर्नमेंट का फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, इसके चलते उनका टारगेट जो है FY25 तक यानी अगले 3 साल में 3 गुना ईवी सेल करने की है। इसको टाटा मोटर्स लीड करता हुआ दिख रहा है एक तरीके से, क्योंकि पूरी मार्केट में अभी अकेला सबसे बड़ा प्लेयर है ईवी में, एंड बाकी शायद आपको रोड पे कोई ईवी की गाड़ी दिखती ही नहीं होगी मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स के अलावा। एक दो कंपनियां और निकाली हैं, अदरवाइज नहीं। हमारी इंडिया में मार्केट लीडर मारुति सुजुकी है, लेकिन वो FY25 तक लाने की तैयारी कर रहे हैं, एंड टाटा मोटर्स टाइम ऑलरेडी काफी सारे मॉडल्स लॉन्च कर चुकी है, एंड तैयारी आराम से आगे चल के और मॉडल्स लाने की है। तो ये एक बेस्ट ईवी प्ले हो सकता है, एंड ये सारी अपडेट एंड कल भी एक एक्शन में रह सकता है, लेकिन आप कल का नहीं लॉन्ग टर्म का सोचें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरी पूरी वीडियो टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।